हाँ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड लेसन में हमने इससे पहले वाले टॉपिक में हेनरी फ्योल के सिद्धांत स्टार्ट किए थे। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत हैं। 14 सिद्धांतों में से 8 सिद्धांत हम कर चुके हैं और इनका अब नवा सिद्धांत है पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी। ये सिद्धांत ये कहता है कि क्योंकि जो प्रबंधक हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपके प्रथम लेवल, इसके नीचे द्वितीय लेवल, इसके नीचे तृतीय लेवल, ये जो आदेश निर्देश हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फर्स्ट से सेकंड को, सेकंड से थर्ड को। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये संपर्क जो पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी है, ये इसी बात को बताती है कि किस व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से आदेश प्रसारित किए जाने चाहिए। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि ए जो है वो एक अधिकारी है और इस अधिकारी को अपने नीचे तक के जो अधीनस्थ हैं, इस अधिकारी के दो अधीनस्थ हैं बी और एल। अगर इसको कोई आदेश जी तक पहुंचाना है तो इसे ए को वो आदेश बी को देना होगा, बी से वो आदेश सी पर जाएगा, सी से वो आदेश डी पर जाएगा, डी से ई पर जाएगा, ई से एफ पर और एफ के बाद जी पर पहुंचेगा। इसी तरीके से अगर ए को कोई आदेश नीचे क्यू को पहुंचाना हो तो इसे वो आदेश एल को देना होगा, एल वो आदेश एम तक पहुंचाएगा, एम से एन ओ पी और क्यू तक पर ये आदेश पहुंचेगा। तो ये हेनरी फ्योल के आधार पर, हेनरी फ्योल द्वारा एक आ गया है कि अगर कोई अधिकारी के द्वारा संदेश दिए जाएँ तो उनको इसी क्रम में दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर सुझाव, तो अगर मान लीजिए जी को कोई बात ए तक पहुंचानी है तो सेम वही जो स्टेप्स हैं वो फॉलो होंगे। जी को वो सुझाव एफ को देना होगा, एफ से ई, ई से डी, सी, डी से सी, बी और फिर यहाँ तक होता हुआ ए तक पहुंचेगा। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी आदेश या निर्देश को ऊपर से नीचे की ओर आने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है उसको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन कई बार जो हैं वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं, मान लीजिए कंडीशन ऐसी है इनको सूचना यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में समय लगेगा क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप सूचना जाएगी। लेकिन अगर कई बार कोई सूचना एक विभाग से दूसरे विभाग को तुरंत पहुँचानी हो, उसको कम समय में पहुँचाना हो, तो फ्योल का ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई असाधारण परिस्थिति है और एफ को कोई सूचना पी तक पहुँचानी है तो इसके लिए वो इस सिद्धांत का उल्लंघन करके सीधे इससे, डायरेक्ट इससे बातचीत कर सकता है, इसको मैसेज दे सकता है। ये सिद्धांत कहता है कि जो फ्योल का पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी का सिद्धांत है, अगर कोई असाधारण परिस्थिति हो तो इस परिस्थिति में इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है और जो मैसेज है वो डायरेक्ट एफ से पी को पहुँचाया जा सकता है। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है फ्योल पुल, यानी ये जो असाधारण स्थिति है, यह असाधारण स्थिति जो है फ्योल पुल के नाम से जानी जाती है। इसके बाद इनका सिद्धांत है 10वां, व्यवस्था। व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि कच्चा माल, मानव, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जहाँ उनकी जगह फिक्स है वहीं पर वो चीज़ें होनी चाहिए। तो व्यवस्था का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु, सबके लिए एक निश्चित स्थान है, वो अपने निश्चित स्थान पर होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था का सिद्धांत है। इससे क्या होता है कि क्योंकि कंपनियों में शिफ्टों में काम होता है, मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट वाला कोई काम छोड़ करके चला गया और उसने वो सारी चीज़ें अव्यवस्थित कर दी, तो आने वाले व्यक्ति को उस अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित करने में समय लगेगा। इसलिए व्यवस्था का सिद्धांत बनाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज़, जो चीज़ जहाँ पर निश्चित है उसे वहीं रखनी चाहिए ताकि अगले आने वाले व्यक्ति को उस कार्य को करने में बाधा उत्पन्न नहीं हो। ये व्यवस्था का सिद्धांत कहता है। इसके बाद है हमारा समता का सिद्धांत, 11वां नंबर। समता का सिद्धांत जो है वो दो चीज़ों के बारे में है, एक तो पारिश्रमिक और एक दंड। यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि जिस भी कर्मचारी से जितना कार्य करवाया जाए उसको उसके आधार पर पारिश्रमिक या वेतन मिलना चाहिए, ना तो उसके कार्य के आधार पर कम वेतन मिलना चाहिए और ना ही कार्य से ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए। अगर वो कार्य के आधार पर वेतन पा रहा है तो वो कर्मचारी जो होगा वो संतुष्ट रहेगा और संतुष्ट रहेगा तो संस्था के लिए अच्छा कार्य करेगा। तो इसलिए समता का सिद्धांत ये कहता है कि पारिश्रमिक में भी समानता होनी चाहिए, यानी समानता का मतलब है जो जितना कार्य कर रहा है उसको उसके आधार पर वेतन मिलना चाहिए,
और दंड में भी समानता होनी चाहिए। अगर दो व्यक्ति समान प्रकार की भूल कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं तो उन्हें दंड भी समान रूप से मिलना चाहिए। इसके बाद जो 12वां है पॉइंट, वो है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। कार्यकाल की स्थिरता का मतलब होता है, हम ये देखते हैं ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं उन कंपनीज में एक कर्मचारी काम पर लगा, वो काम कर रहा है लेकिन करते करते उसको दूसरी कंपनी से कुछ ज़्यादा वेतन का ऑफर आ गया तो वो उस कंपनी को छोड़ता है, दूसरे में चला जाता है। दूसरी से उसको ज़्यादा ऑफर आ गया तीसरी में, तो वो दूसरी को छोड़ के तीसरी में चला जाता है। तो यहाँ पर ये कहता है सिद्धांत कि जब एक कर्मचारी बार बार जगह बदलता है या बार बार संस्थाओं को बदलता है तो उससे उसकी संस्था की जो होती है वो कार्यक्षमता कम हो जाती है। यानी कर्मचारी जब तक कार्य सीखता है, उसके जैसे ही वो सीख करके अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगता है उसके बाद वो छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए। यानी एक कर्मचारी जब किसी संस्था में कार्य करने लगे तो उसे लंबे समय तक उस संस्था में कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, कंपनी की जो है वो कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी और कंपनी का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके बाद है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। किसी भी कर्मचारी को जब तक प्रेरित नहीं किया जाए तब तक वो अच्छा काम अपना फुल जितना भी उसमें क्षमता है उसका उपयोग वो नहीं करता। तो समय समय पर अधिकारियों के द्वारा जो है वो अपने नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों को या अधीनस्थों को समय समय पर प्रेरित करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्य जो है एक नेता के रूप में होता है और एक नेता जो है अपने अनुयायियों को हमेशा प्रेरित करता रहता है। तो प्रेरणा का सिद्धांत इस प्रकार से आपके स्पष्ट करता है कि प्रत्येक अधिकारी को अपने अधीनस्थों को प्रेरित करते रहना चाहिए। इसके बाद है सहयोग की भावना। अब जैसे हम ये कहें कि एक स्थान पर 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, अगर 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उनमें से 9 लोग बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम कर पा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति किसी कारणवश जो है वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहा किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो अन्य जो 9 हैं उनको उस एक व्यक्ति का सहयोग करके उसका काम भी पूरा कर देना चाहिए जिससे कि वो अपने निश्चित दिए गए कार्य को पूरा कर सके। तो ये भावना जो होती है सहयोग की भावना, ये कर्मचारियों में उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। तो ये सिद्धांत भी ये कहता है कि जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हों उनमें आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये हमारे फ्यूल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत जो हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे।